नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। समन्वय स्थापित करने से होगी बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण। प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों की आवश्यक बैठक। प्रखंड पदाधिकारी गौरी कुमारी की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में बेहतर शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु विद्यालय के शिक्षकों एवं निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों के बीच आपसी समन्वय आवश्यक है। चूँकि कोरोना काल में इस सत्र का अधिकांश समय विद्यालय बंद रहे हैं, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। अब समय काफी कम है, अतः कम समय में बच्चों के कोर्स पूरे करने होंगे। इसके लिए सभी लोग मिलजुल के बच्चों के बेहतरी के लिए काम करें, ताकि बचे समय में उनका कोर्स पूरा हो सके और अच्छे अंक से वे परीक्षा पास कर सके। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि में वर्ग संचालन नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही सभी विद्यालयों में समय सारणी के अनुसार वर्ग संचालन किया जाना आवश्यक है। मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लक्ष्मी कुमारी, बीआरपी शैलेंद्र झा, शिक्षक लाल बाबू, रुदल कुमार, महेश प्रसाद यादव, कमरुल होदा, मनोज कुमार ठाकुर, पवन कुमार महतो, कन्हैया झा, सुरेश कुमार रजक के साथ साथ कोचिंग संस्थान के नितेश कुमार, नीरज कुमार, अनिल कुमार, अमित कुमार, शशि रंजन कुमार आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं समस्तीपुर से अरविंद कुमार की ये रिपोर्ट। जो गार्जियन सिंसियर हैं, चाहे कोचिंग से कर रहे हैं, लेकिन बच्चे पत्र नहीं लिख पा रहे, आवेदन पत्र, जैसे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र में लिखवाई, वो नहीं लिख पा रहे थे। उसका जो सही तरीका होता है, इसमें फुल मार्क्स मिलता है। आप बच्चों को एकदम लिखवा के कि हाँ चार बार पांच बार लिख के लाओ, उसे फुल मार्क्स मिलता है। उसके बाद निबंध, निबंध का भी एक फॉर्मेट होता है कि किस पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, कि ऊपर में हम परिचय देंगे, अगर कुछ पौराणिक कथाएं है उसे जुड़ी हुई तो वो भी डालेंगे, फिर उसका बीच में जो क्या कंटेंट है, फिर बाद में कंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से बताने पर वो जरूर लिख देंगे। अगर बहुत खराब बच्चा भी होगा तो कम से कम 15 लाइन तो जरूर लिख देगा कोई टॉपिक में। पर्यावरण से अगर संबंधित आया तो पर्यावरण क्या है, कैसा रहना चाहिए, और पर्यावरण के लिए सरकार अभी क्या क्या कर रही है, फिर लास्ट में कि पर्यावरण कैसे कैसे नुकसान हुआ है, फिर कैसे, मतलब वो अपना सारा कुछ विचार रख सकता है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग गाइड कर दीजिएगा तो बहुत आगे मतलब लिख सकता है, बढ़िया से लिख सकता है। ये सब आता ही आता है, क्वेश्चन जो वेल नॉन है, ये सब क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर इस तरह से एक फॉर्मेट बता दीजिएगा तो वो खुद लिख लेगा। और हर दिन एक दे दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है। हाँ बच्चों, कल इस टॉपिक पे तुमको निबंध लिख के लाना है, इस फॉर्मेट ये, खाली मुंह से ही बता दे, कुछ बच्चे लिख के आता है, आप कुछ बच्चे देख के सीख लेंगे जो बहुत कमजोर है। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।